आप देख रहे हैं नितिन अमिता और मैं गोविंद कुमार। अभी हम बख्तियारपुर मोकामा फोर लेन पर हैं, जहां की पूरा गांव के पास है, जहां आप देख सकते हैं यहां अभी फोर लेन जो है वह निर्माणाधीन है और इसका कार्य प्रगति में है। लेकिन यहां के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहां आरोप लगाया जा रहा है कि बिना पूर्वानुमति के, बिना किसी उन्हें पहले से इसकी सूचना दिए हुए, यहां जो उनका घर है उसे तोड़ने का जो यहां के सभी हैं वह कह रहे हैं उन्हें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह जो फोर लेन का निर्माण हो रहा है यह कोई छोटी सड़क नहीं है जिसे कि कहीं से भी मोड़ लिया जाए। इसके लिए पहले से स्ट्रक्चर बनाना होता है और आप समझ सकते हैं कि यह जो पहले से बनाने के बाद भी, और आज इन्हें यह सूचना मिल रही है कि इनका घर जो है वह 8 मीटर अंदर तक टूटेगा, तो इन लोगों का यह कहना है कि अगर हमारा घर 8 मीटर अंदर टूटता है तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा। तो विशेष आप खुद सुने इनके द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। हमारे साथ अभी यहाँ के ग्रामीण स्थानीय मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। और क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? पूरा। पूरा। तो यह पहले से जो अभी सूचने की बात हो रही है घर यहाँ, तो पहले से आपको जानकारी नहीं? पहले जानकारी सबसे नीचे नीचे खेत लेगा जी, हम अब सोचते हैं कि अब घर मायने ले रहा है। वो मतलब पहले से आपको किसी भी प्रकार का नोटिस यहाँ पे नहीं था कि आपका? नहीं, नोटिस कभी नहीं आया। तो ये आपका जो घर है ये आपका मतलब रहती जमीन है या मरुसी आपकी कहाँ? रहती जमीन है आपकी कहाँ? हमारे बाप दादा सब इसी में रहे, इसी में रहे बाप दादा। तो फिर आपको जानकारी क्यों नहीं दी? क्या सर, क्या आप जानकारी नहीं दिया था? क्या हमारा घर क्या जानकारी देना चाहिए? नोटिस तो भेजना चाहिए, कुछ भी नहीं है। और जितनों का भी यही सुन रहे थे कि नीचे से जा रहा है, जितने का भी जमीन गया है उन सभी को नोटिस गया होगा? नहीं गया है। आपको नहीं गया? नहीं, हमारा ही जमीन जा रहा है। किन्हीं को नहीं? आपका भी जमीन जा रहा है? तो यहाँ के अलावा आपके पास और भी जमीन है कि सिर्फ यही घर ही नहीं, है? नहीं, घर है। ये घर के अलावा और कहीं जमीन नहीं? घर के अलावा कहीं जमीन? घर तक ही है, जो भी है घर तक ही है। घर के अलावा कहीं एक दूर जमीन नहीं है, भूमि ही नहीं सभी जी। घर के अलावा कहीं जमीन नहीं कि वहाँ घर बना करके रह सकता है। तो इसीलिए हम लोग को कहना है कि अगर हमारा घर तोड़ रहे हैं तो उससे पहले हमको बसने के लिए जगह दीजिए, पहले हमको बसाइए, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। और पहले तो बरगला करके रखा गया हम लोगों को, पहले बताया गया कि टूट रहा है, कभी बोल रहा है टूट रहा है, कभी आज अचानक से लिख दिया गया घर के आगे में कि आपके घर के आगे 2.5 मीटर टूट रहा है, किसी घर के आगे लिख दिया कि 8 मीटर टूट रहा है। तो ऐसे तोड़ करके और बेघर करेंगे तो बाल है, बच्चा है, सब लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो मतलब आज ये का एक आपके घर पर आकर इस तरह का जो है वो लिख दिया कि जी हाँ, आज ऐसा पता। पहले से हम लोगों ने भी जानने का कोशिश किया, क्या मेरा मकान जा रहा है? कई इंजीनियर आए, कई लोग आए, अफसर आए, सबसे पूछे हैं, बोले नहीं आपका लोग का घर नहीं टूटेगा, साइड से रोड जाएगा। क्योंकि जब साइड से जाएगा तो हम लोग बेफिक्र था कि साइड से रोड जाएगा तो हमें रोड बनने से खुशी है, दुखी थोड़ी थे जी। बिल्कुल, आपके आगे में आगे फोर लाइन बन रहा है तो हम लोग दुखी नहीं थे, लेकिन आज अचानक से बोल रहे हैं कि नहीं ये मकान भी टूटेगा, यहाँ मट्टी भर दिए घर के आगे में। तो आपने और किसी पदाधिकारी जो बाढ़ में है उनसे मिलने का प्रयास किया? हम मुखिया जी के पास गए थे जी। मुखिया जी आज हमको लेकर के ब्लॉक में गए थे अनुमंडल में जी। वहाँ पर हमें कोई अधिकारी से भी बात नहीं हुई है जी। लेकिन हम आपने आवेदन लिख करके दे रखा है। आवेदन आपने दिया जी? आवेदन लिख करके दिया है हम लोगों ने, हमारे पास में। आपकी और क्या मांगे हैं यहाँ को लेकर? हमारे कुछ मांग नहीं, हमें मांग है कि हमको बसाइए पहले, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। मतलब कहीं भी आपको पहले जमीन? हाँ, पहले हमको जमीन देकर हमें घर बना करके दीजिए, क्योंकि हमारे घर तक का ही है, घर के अलावा हमें रहने तक का जमीन नहीं है जी। कहीं पे भी कि हाँ एक दूर दूर जमीन हो कहीं वहाँ हम बना के रह सकते हैं, तो वो भी नहीं है मेरे पास, यहाँ घर है। यहाँ कितने लोगों का मकान जा रहा है? यहाँ हमारे कम से कम 20-25 लोगों का मकान जा रहा है, 20-25 घर है हम लोग, 20-25। और सभी आप ही के जैसे है, किन्हीं को जमीन नहीं? हाँ, सब मेरे जैसे है, सब एक ही जैसे हैं, किन्हीं के पास जमीन नहीं है, खेती की जमीन नहीं है सभी के पास? हाँ, केवल घर है और कमाना खाना है। कुछ लोग पंडित जी हैं जो कि मांग करके खाते हैं, मांगता खाते हैं, जो कि मांग करके लाते हैं और वो खाते हैं, और कुछ लोग अपना कमा करके खाते हैं, जो कि बाहर रहते हैं, परदेश में रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, और वो घर तक का है, और घर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो ग्रामीण है, हम इनसे भी जानने का प्रयास किए, और आगे जो हमारे बार एसडीओ साहब हैं हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप वार्ड पार्षद हैं? हाँ। तो पूर्व में कोई जानकारी इनको नहीं मिला था? नहीं, पूर्व में भी नहीं, आज तक नहीं मिला जी। तो फिर अचानक क्यों घर इनका टूट रहा है? मनमानी
किसका मनमानी? ठेकेदार का, रोड वाला का। कैसे मनमानी कहिएगा इसको? ये तो पहले से प्लानिंग हुआ होगा, रोड मैप बना होगा। हम लोग का किसी तरह जनता का नहीं, प्रतिनिधि का किसी तरह का कोई सूचना नहीं है। आदमी नोटिस रहेगा तो नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नोटिस आने के बाद भी झूठ बोलते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कभी हो सकता है? जी हम झूठ बोल देंगे, ऊपर भी नोटिस किसी को नहीं मिला। जी क्योंकि ये बात भी है कि कई लोग जो है जिनका घर वो बाहरी है, हो सकता है बाहर में होंगे तो नोटिस नहीं आया है। परमानेंट हम यहाँ पर हैं जी, आज तक नोटिस नहीं आया है। हाँ दीवार पर लिख दिया 8 मीटर जाएगा, वो अढ़ाई मीटर अंदर जाएगा, लिख के चले गए हैं। एकाएक क्या लग रहा है आपको, क्यों तोड़ा जा रहा है इनका घर? पता नहीं, तो वही लोग, कुछ तो कारण होगा। ऐसा तो कोई कारण, क्योंकि काफी दिन से सड़क निर्माणधीन है, है ना, और ये अचानक घर तोड़ना, हम लोग समझ रहे हैं कि ये सब इंजीनियर का काम है। इंजीनियर का काम चले जाता, घर टूटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उधर जाता तो इधर घर तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अब तो जो मैप बना होगा उसी अनुसार जाएगा। बनाया कौन? जी मुबारकपुर बच गया, मुबारकपुर का इंजीनियर बनाया है जी। मुबारकपुर का अपना गांव बचा लिया, इंजीनियर मुबारकपुर का। हाँ गांव का नाश कर दिया अपना गांव। ये आपको कौन बोल दिया? गांव में अफवाह पर भी लोग कहीं नहीं उत्तेजित हो रहे। क्या लगता है बाढ़ पर्सन है? ऐसा अफवाह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि घर पहले से प्लान था टूटने का? नहीं, ऐसा प्लान नहीं था जी। लेकिन एकाएक क्या हुआ, नोटिस नहीं आया है किसी तरह का अभी तक। क्या लग रहा है सर, कोई नोटिस नहीं आया? मुआवजा का भी बात कही हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश, सुरेश पांडे जी, आप यहाँ के बाढ़ पार्षद हैं। कौन सा बाढ़ है ये? वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 है।